उसके लगों में किरण पोडरा काबे लगों में मियां नु कर दगा काले रचे तू अग्नि चला पिछने चला अग्नि चला पिछने चला पिछने चला अग्नि चला नाचा चमा चम पीपल नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मस्त यहाँ पे धूप लग गई है, उड़ गया मैं सो गया यहाँ पे, और आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। मस्त सनराइज हो रहा है यहाँ पे। कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मगर पूरा ऐसे माहौल हो रखा है, एकदम गोल्डन गोल्डन सा हो रखा है पूरा, और मस्त धूप लग रही है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो मम्मी क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ प्याज के पत्ते की कटोरी। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है नाश्ता, तो मम्मी को बनाने देते हैं और हम चलते हैं बाहर पे। अभी मुझको पहले ये रजाइयाँ फोल्ड करनी है और पैक करनी है, क्योंकि ये अम्बी कगले भेज रहा हूँ मैं, वो हॉस्टल में रहती है ना मेरी बहन। तो ये रजाई और ये कंबल और ये जो थैले मेरे को इस कट्टे के अंदर पैक करने। अब पता नहीं कैसे आएगा, कट्टे में आता है नहीं आता है, लगता तो नहीं है मेरे को क्या आएगा, पर इसको पैक करके देखते हैं। तो मुझे कॉल आने पर लगे अम्बिका के, रजाइयाँ भेजो रजाइयाँ भेजो। तो अभी मैं रजाई पैक कर रहा हूँ अम्बिका के लिए, क्योंकि हॉस्टल में रहती है ना वो, तो उसको वो बोल रही है मेरे को रजाई चाहिए, तो मैं यहाँ से पैक करके रजाई भेज देता हूँ उसके लिए। चलो रजाई तो मैंने डाल दी इसके अंदर, तो जैसे तैसे करके मैंने इसके अंदर पैक कर ही दिया है ये अम्बिका की रजाई कंबल और ये दो थैले हैं, और इसकी एक वाटर बोतल भी आएगी इसमें। मैंने इसमें नाम भी लिख दिया है, क्योंकि नाम लिखना जरूरी है ना, कहीं किसी और के पास ना पहुंच जाए इसलिए। बस ये सिल गया, कट्टा तो मैंने भिजवा दिया, और अब मैं अपनी रजाई को जरा धूप में सुखा देता हूँ, अपनी रजाई सुखा देता हूँ थोड़ी देर। और दादी ने यहाँ पे मस्त आंवले सुखाने के लिए रख रखे हैं, दादी जंगल से लाई थी आंवले, अब अचार बनाएगी। अब मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि मेरे को गर्मी हो रही है, छत में तेज धूप लगी ना, और नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आंटी जी भी खाना बनाने लग गई, दिन की तैयारी हो गई आंटी की भी। आंटी जी कहीं की दाल बना रहे हो आज? मिक्स दाल। आंटी ने तो खाना भी बना दिया, और मेरी मम्मी यहाँ पे यार की खाद बना रही हो। तो ये थे मम्मी के उगाए हुए कुछ सुंदर सुंदर फूल। चाचा जी भी पहुंच गए घर, अब लंच करने का टाइम हो गया सबका। पापा भी सेम डायलॉग मारते हैं, चाचा ने भी सेम डायलॉग मारा। तो दिन के खाने का टाइम भी हो गया है, और टाइम क्या, ये देखो 2:30 बज गए। तो अब जल्दी से खाना खाते हैं, और आज मुझे शाम को बर्थडे पार्टी में भी जाना है, क्योंकि मेरे को चाचा ने बुलाया था। आज मम्मी ने खाने में बनाया है राई के पत्तों का साग। तो मैंने तब से ब्लॉग तो बनाया नहीं, मैं सो गया था, और अब चलते हैं सीधे बर्थडे पार्टी में। तो कपड़े वगैरह तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो पहने मैंने इन्हीं में जाऊंगा, टाइम भी ज्यादा हो गया है, तो अब सीधे आपको वहीं मिलेंगे बर्थडे में।
तो अभी हमारे कहते हैं बर्थडे में ये मेरे चाचा का लड़का उमंग और इसका आज हैप्पी बर्थडे, तो सब इसका हैप्पी बर्थडे विश कर देना। तो अभी हम पार्टी करें तो ये है बर्थडे बॉय की मम्मी, दूल्हे राजा की मम्मी। कैसे 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 बुआ कैसे, फिर से करो। हम सब खा रहे हैं केक समोसा, यहाँ पे मस्त मजा आ रही है हमको। तुम्हारे फैन फॉलोवर्स होंगे बहुत ज्यादा, फॉलोवर्स होंगे ना आपके बहुत सारे हैं। मैं आपको रोज व्लॉग मिलूंगा, रोज व्लॉग मिलूंगा मैं आपको। अपने दोस्तों को बोलना मेरे को सब्सक्राइब कर दो। अच्छी कहानी। चाची कैसी लग रही है चाउमीन? छोड़े बेरा कस कहटू में मेरी निर्मला हित निकलन सब नस गई हो निकलन छोरी निर्मला हित निकलन बच्चे भी आ गए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक डांस करा है हमारी बुआ ने और उमंग की मम्मी ने यहाँ पे। अरे चलते हैं, है ना उमंग, आ जाते हैं। वन सेकंड हैप्पी बर्थडे। ये हमारे यहाँ की चिल्लर पार्टी, बाबा गए हम घर पे। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।